बेटा, क्या तुम मेरा खत उन तक पहुंचा दोगी? मुझे जो बात करनी है मैं खत पे लिख देती हूँ, तुम उन्हें वो पहुंचा दो और फिर वो जो जवाब देंगे मुझे दे देना। पक्का मैम, मैं आपका खत उन तक जरूर पहुंचा दूंगी, लेकिन अभी नहीं, रात को सोने से पहले उनकी कुटिया में खत पहुंच जाएगा और उनका जवाब मैं फौरन ही आपको कुरियर करवा दूंगी। थैंक यू। आप यहीं रुकिए, मैं आपके लिए पेपर और पेन भेजती हूँ। ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वाहा ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो न प्रचोदयात्। ॐ ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यम्। आज मैं आपसे इतने करीब होके भी आपसे बहुत दूर हूँ। पता चला कि आप बहुत कठिन तपस्या कर रहे हैं। एक खत मेरे लिए छोड़ के आप ये तपस्या करने निकले थे। उस खत में आपने हमारे संयुक्त परिवार की जिम्मेदारी मेरे सुपुर्द की। मैंने पूरी कोशिश की उस जिम्मेदारी को निभाने की, लेकिन आज कुछ ऐसे हालात आ गए हैं जहां मुझे हमारे परिवार को संयुक्त रखने के लिए कुछ कठिन फैसले लेने होंगे। उन्हीं फैसलों के बारे में मैं आपसे बात करने आई थी, लेकिन समझ आ गया कि अब आपसे मिलना तो तभी हो पाएगा जब आपकी तपस्या पूरी हो जाएगी। आपसे ना मिल पाने की नाराजगी जरूर है मुझ में, लेकिन इस वातावरण में आके आपके इतने पास आके एक हिम्मत भी मिली है मुझे। उसी हवा का स्पर्श किया है मैंने जो हवा आपको छूके आ रही है। शायद आपके लौटने तक इतना ही काफी है मेरे लिए। इतना सभी काम ठीक से नहीं कर पा रही हूँ। राहुल की फैमिली क्या सोचेगी मेरे बारे में? मेरी फैमिली को इम्प्रेस करने की कोशिश हो रही है। इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही हूँ पर कर नहीं पा रही हूँ। देखो ना राहुल, एक चादर नहीं झटक पा रही हूँ मैं। बड़े कॉन्फिडेंस से मैंने गायत्री भाभी से लिया था, अब वो क्या सोचेगी मेरे बारे में?
मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन बदले में मुझे कुछ देना होगा। लगता है चाचू की हेट ने फिर से मेरी प्राची का मूड खराब कर दिया। अब सुनो फिर से राम कथा, भले कोई और भले कोई और। राजी, देख तू एड्स की बात का बिल्कुल भी बुरा मत मान, बस रात तक का इंतजार कर ले। मैंने तेरा मूड ठीक करने के लिए प्लान बनाया है ना, तो फिर क्यों टेंशन लेती है? अच्छा सुन, जो मैं बोल रहा हूँ उसे ध्यान से सुन। रिलैक्स उदय, रिलैक्स। मैंने तुझे ये बताने के लिए फोन किया है कि अब उस प्लान की कोई जरूरत नहीं, मेरा रेत का पैचअप हो गया। पैचअप हो गया? हाँ, मुझसे रहा ही नहीं गया। ऐसे भी गलती मेरी थी ना, तो मैंने माफी मांग ली। हित मुझसे बड़ी है, मुझे उससे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। वो तो ठीक है प्राची, तेरा और हिट्स का पैचअप हो गया, दैट्स रियली अ ग्रेट न्यूज एंड आई एम सो हैप्पी फॉर यू। लेकिन इसमें हमारा प्लान कैंसिल करने की क्या जरूरत है? हाँ, अरे वो प्लान तो मेरा मूड ठीक करने के लिए था ना, और अब तो मूड ठीक है, तो अब क्या जरूरत? हाँ तो तेरा मूड अब ठीक हो गया ना, तो सेलिब्रेट करना चाहिए। समझ ले, प्लान तेरा अच्छा मूड सेलिब्रेट करने के लिए ही था। साउंड्स कूल। तो बस प्लान इज ऑन। ओके 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 बाय। रखा राहुल, अब ये क्या नया सरप्राइज है? प्लीज बाहर आ जाओ। राहुल कहाँ हो तुम? स्टूडियो के लिए तूने जो डिपॉजिट मनी और रेंट दिया था, वो मैं पूरा का पूरा तुझे वापस करती हूँ। अभी इसी वक्त तुझे मेरा स्टूडियो खाली करना होगा, और आज के बाद मेरे कैफे में आने की हिम्मत भी मत करना।